किसी को फोर्स मत करो कि वो तुम्हें याद करे। कुछ दिन खामोश रहकर देखो कि उसकी लाइफ में आपकी कितनी वैल्यू है। सहना भी चाहिए मौके पर, कहना भी चाहिए और जिंदगी में शांति के साथ रहना भी चाहिए। किसी का साथ अगर जिंदगी भर चाहते हो तो उसे यह मत बताना कि तुम उसे कितना चाहते हो। वो लोग आखिर में छूट ही जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। इश्क इतना ही करें जिंदगी में कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक ना बने। माना मोहब्बत जरूरी है लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी भी नहीं। खुलकर जीना हो तो कभी किसी पर मत मरना। आप किसी को हर्ट करो और वो खामोश हो जाए तो समझ लेना कि वो खुद से भी ज्यादा आपको प्यार करता है। अकेले रहना बहुत सही है बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी कद्र नहीं करते। कद्र किया करो उनकी जो आपके बेरुखी व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार से बात करते हैं। कुछ लोग आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना वो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ उनका मतलब खत्म होता है वहाँ उनका प्यार भी खत्म हो जाता है। जितना सच्चा इश्क होगा दर्द उतना ही ज्यादा होगा। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी है क्योंकि चलना माँ बाप सिखाते हैं लेकिन संभलना खुद ही पड़ता है। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है, फिर ना वो किसी से शिकायत करता है और ना वो उम्मीद करता है। आप जिनसे भी ये कह दोगे कि वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वही इंसान आपसे अपना हाथ छुड़ाने लगता है। जब कोई दूसरों से धोखा खाता है तो वो उनसे लड़ पड़ता है, जब कोई अपनों से धोखा खाता है तो इंसान चुप हो जाता है। जब किसी व्यक्ति को किसी अपने से धोखा मिलता है तो वो किसी भी इंसान पर भरोसा करने से पहले हजार बार सोचता है। दुश्मन तभी कामयाब होते हैं जब उसके पीछे अपनों के हाथ होते हैं। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं समझ की भी जरूरत होती है। मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। अगर चुप कराने वाला कोई ना हो तो हालात मुस्कुराना सिखा देते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। झूठी कस्मों से इंसान नहीं मरता पर भरोसा जरूर मर जाता है। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, फिर जल्दी मान भी जाते हैं। शब्द का भी एक अपना स्वाद है, बोलने से पहले खुद चख लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। जिस इंसान ने दुख में सुख रहना सीख लिया समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सिखा ही देंगे। खूबसूरत होना जरूरी नहीं लेकिन किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत होता है। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरे के महलों में गुलामी करने से कई ज्यादा बेहतर होता है। प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत और अपनी बुराई से उबलना मत और किसी के मीठे शब्दों में फिसलना मत। जो अपना है ही नहीं उस पर हक क्या जताना, जो तकलीफ ना समझे उसे दर्द क्या बताना। उम्मीद जिंदा रखिए दोस्त, देखना आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। आपकी जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। भरोसा रखो, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। भरोसे में इतने अंधे भी मत बनो कि पास वाले का असली रंग ही आपको दिखाई ना दे। याद रखना, जरूरत से ज्यादा अच्छा बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। सच्चे रिश्ते की खूबसूरती सहन करने में है क्योंकि बिना कमियों का इंसान ढूंढने निकलोगे तो जिंदगी में अकेले रह जाओगे। कोई आपका साथ नहीं देगा, यहाँ आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आप जितना डरोगे लोग आपको उतना डराएंगे और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है, एक वो जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वो जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो आखिर में टूट ही जाता है। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहाँ से सफलता के हथियार मिलते हैं। आपको कितने लोग पहचानते हैं उसका कोई महत्व नहीं है, मगर क्यों पहचानते हैं इसका महत्व है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनते हैं जो आप दिन भर सोचते हैं। दूसरों पर काबू करना असली ताकत नहीं होती, खुद पर काबू करना असली ताकत होती है। हमारी हार इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता, हमारी हार इसमें है कि हम खुद को ही नहीं पहचान पाते। जैसे जैसे उम्र गुजरती है एहसास होने लगता है माँ बाप हर चीज के बारे में सही कहते थे। कठिन रास्तों से ना घबराए, कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिल तक लेकर जाता है। दो बातों की गिनती करना छोड़ दे, खुद का दुख और दूसरों का सुख, जिंदगी आसान हो जाएगा। स्कूल तो बस बचपन में जाते थे, अब तो बस जिंदगी सिखाती है।
तकलीफ अकेलेपन से नहीं, अंदर के शोर से है। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी फीलिंग से ज्यादा स्ट्रांग बना के रखो। पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है, पर अगर सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। कोई भी आपसे उतना प्यार नहीं करता जितना आप अपनी सोच में सोच लेते हैं। आप कितने भी अच्छे हो, चाहे आप कितने भी अच्छा काम कर लो, पर एक बात हमेशा याद रखना, आपको जो गलत समझता है वो मरते दम तक आपको गलत ही समझेगा। क्योंकि किसी का नजर का इलाज किया जा सकता है, लेकिन नजरिए का नहीं। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। अगर एक बार रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग गलतफहमी पा लेते हैं कि अब ये हर बार झुकेगा।